फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश कनवाड़िया द प्लांट्स लवर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सॉरी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पिछले एक महीने से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि एक मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरे इस हाथ पे। बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि आप लोगों की दुआओं की वजह से एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट बहुत ही छोटे में टल गया जिसकी वजह से मैं 15 से 20 दिन रेस्ट पे था तो कोई वीडियो डाल पाने में मैं असमर्थ था। नाउ अब मैं आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ बिकॉज अब मेरे हाथ की कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ हमारी प्लांटेशन के रिगार्डिंग जो जनरली आप चैनल्स के अंदर नहीं सुनते होंगे। आज ये वीडियो में स्पेशली गर्मियों के अंदर किस तरीके से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए उस पर ये वीडियो आज जाने वाला है और मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जब हाई हीट दिल्ली के अंदर स्पेशली गर्मी का टेम्परेचर 45 to 48 डिग्री तक जाता है तो हमारे प्लांट जो स्पेशली रूफ टॉप पे लगे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग जाते हैं, उनके पत्ते जलने लग जाते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर हम अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक तो इस टॉपिक को कवर करेंगे, दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फेलिडोडन वेराइटी के अंदर, इसको हम बर्किन कहते हैं जिसे आप कह सकते हो कि सेमी इंडोर प्लांट है, यानी इसको आप अंदर भी रख सकते हैं घर के और थोड़ा सा बैल्कनी में या हल्की धूप के अंदर इसको हम रख सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो होता है। तो आज हम इस चैनल के अंदर काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक फेलोडेंडन वैरायटी का बर्किन प्लांट है जो कि एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी हम इसको जानते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके लीफ पे ऐसा वाइट वाइट लाइंस बनती है जिसकी वजह से इसके लीफ की जो लुक है वो बहुत ही एग्जॉटिक आती है, बहुत ही खूबसूरत आती है। अगर आप इसको अपने रूम के अंदर ऐसा इंडोर रखेंगे तो ये आपके रूम की जो इंटीरियर है उसको काफ़ी इन्हांस करेगा। दूसरी बात जो उसमें मुझे सबसे अच्छी लगी कि इंडोर वैरायटी या सेमी इंडोर वैरायटी के अंदर काफ़ी मजबूत प्लांट है। जब मैंने इसके स्टैम्स को चेक किया और इसके लीफ को मैंने टच करके मैंने महसूस किया तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रेंथ वाला प्लांट है। तो स्ट्रेंथ वाले प्लांट से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमसे भूल चूक के अंदर अगर कुछ कमी रह जाए पानी देने में या कभी ज़्यादा धूप लग भी जाए तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही सेंसिटिव प्लांट है, मुरझा जाएगा, ये हमें कुछ टाइम देगा रिपेयर होने के, राइट दोस्तों। तो आज हम इस प्लांट को हम लगाने वाले हैं टेराकोटा के पॉट के अंदर जो कि मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लांट को लगाया जाए। और इस प्लांट को लगाने के साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि इस प्लांट को ग्रो करने में आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, दूसरा इस सड़ी गर्मी के अंदर जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है उसके अंदर हम अपने प्लांट्स को किस तरीके से बचा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, राइट दोस्तों आइए। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से मैंने अपना बर्किन प्लांट टेराकोटा के पॉट के अंदर लगाया है जिसमें मैंने 60% गार्डन सॉइल इस्तेमाल की है और साथ ही के अंदर 40% के अंदर सिंपल वर्मी कंपोस्ट मैंने ऐड करके इस प्लांट को लगाया है। इस प्लांट को लगाने मैंने एक चीज़ का खास ध्यान रखा है कि इसको मैंने शाम को लगाया है। एक बार ध्यान रखिएगा जब भी बहुत तेज़ गर्मी हो, यानी हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई जैसी गर्मी की, जब भी इन तेज गर्मी में आप प्लांट को लगाएं तो कभी भी नर्सरी से प्लांट लाने के बाद दोपहर को या 10-11 बजे करीब ना लगाएं। हमेशा कोशिश करें आप पौधा 6:30 बजे के बाद ही लगाएं क्योंकि टेम्परेचर जनरली नॉर्मल होता है, पौधे को पूरी रात मिल जाती है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के, राइट दोस्तों, क्योंकि सॉइल ठंडी हो जाती है। जो भी आप पानी प्लांट लगाने के बाद डालते हो पानी जो होता है ठंडा हो जाता है और पूरी रात 10 से 12 घंटे के अंदर पौधा जो होता है स्टेबल हो जाता है। तो टिप नंबर 1, कभी भी प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए गर्मी के अंदर हमेशा शाम को ही लगाएं। अब आ जाते हैं टिप नंबर 2, कभी भी पौधों में पानी आप डालें तो ध्यान रखिएगा दोपहर को नहीं डालेंगे,
सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक इतनी ज्यादा धूप होती है, टेम्परेचर 45, 43, 44, 46 के आसपास रहता है। तो जब भी आप दोपहर के अंदर अपने प्लांट्स के अंदर पानी डालेंगे तो पानी सॉइल को इतना गर्म कर देता है, वो जड़ें जलने लग जाती हैं और उसका इफेक्ट ये आता है कि जो प्लांट्स के लीफ होते हैं वो जलने लग जाते हैं। तो टिप नंबर 2, आपने क्या करना है, कभी भी प्लांट्स को पानी डालना है तो दोपहर या 9 बजे के बाद नहीं डालना है, हमेशा पानी को 6:30 बजे के बाद डाल। टिप नंबर 3, आपके जितने भी प्लांट, चाहे वो बैल्कनी में लगे हो चाहे रूफ टॉप लगे हो, आपने सबसे पहले क्या करना है कि प्लांट्स को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड ऐसे कर लेना है कि जो हार्ड हीट वाले प्लांट्स हैं उनको सेपरेट करोगे और जो सॉफ्ट हीट वाले प्लांट हैं उनको सेपरेट कर लोगे। सॉफ्ट हीट वाले जितने भी प्लांट हैं उनको आप हमेशा ध्यान रखिएगा अलग कर दें रूफ पे, और उस पे उसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे आप ग्रीन कलर का उस पे नेट लगा सके, ताकि उस पे जो भी हीट आए, सनलाइट जो भी है वो बहुत ही कम लगे, उसका इफेक्ट 50% लेस हो जाए। और हार्ड हीट वाले जो प्लांट्स हैं जितने भी हमारे, जैसे फाइकस वगैरह की वैरायटी होती है, सदाबहार की वैरायटी होती है, या आप ये कह सकते हैं स्नेक प्लांट हो गया, इस तरह के प्लांट, वो हमेशा आप हाई हीट के अंदर भी रखेंगे तो उनको खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। टिप नंबर 4, पौधों में पानी डालते वक्त इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि जो पानी होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के अंदर लोग जनरली अपने टंकी से पानी डालते हैं, टंकी से अपना बाल्टी निकाल के पानी डालते हैं। तो कोशिश करें पानी का टेम्परेचर चेक कर लें, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इवन दो वॉर्म भी नहीं होना चाहिए। पानी डालते वक्त पानी के अंदर हाथ डाल के देंगे, पानी ठंडा हो तो ही उसको प्लांट्स के अंदर डालें, और कोशिश करें 6:30 बजे के बाद ही अपने प्लांट्स के अंदर, चाहे वो रूफ टॉप पे लगे हों चाहे वो बैल्कनी पे लगे हों, डालें। अगर शाम को आपको टाइम नहीं मिलता, अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे तक अपने प्लांट्स के अंदर पानी डाल दें। ऐसा ना हो कि आप 9:30 बजे के बाद पानी डालें, ध्यान रखिएगा ज़्यादा गर्म पानी अगर प्लांट्स में डालते हैं तो वो बहुत ही प्लांट्स के लिए घातक होते हैं, प्लांट्स में मर सकते हैं, पत्ते जल सकते हैं, जड़ खराब। तो ये 4 टिप्स जो मैंने आपको स्पेशली बताई है, इनका खास तौर से आपने ध्यान रखना है। अगर इन 4 टिप्स का आप अपने प्लांट्स पे ध्यान दें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक भी प्लांट खराब नहीं होगा, ज्यादातर प्लांट्स आपके ठीक ठाक रहेंगे, ना ही उनके पत्ते जलेंगे और ना ही उनकी जो रूट्स होती है वो खराब होंगी। ठीक है दोस्तों।